साउथ ईस्ट सेंट्रल यूरोप में एक नया वॉर फ्रंट खुलने के हालात बन रहे हैं। इससे रूस यूक्रेन युद्ध में ताकत झोंके नेटो की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये नया मोर्चा खुला तो इससे अमेरिका की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि यूरोप को दो छोटे देश अपने अपने मतभेदों के कारण सीमा पर सेना तैनात कर चुके हैं। ये है सर्बिया और कोसोवा। इन दोनों के बीच क्या विवाद है और युद्ध क्यों भड़कने वाला है, ये सब आपको हम बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच एक और जंग छिड़ने के हालात बन चुके हैं। यूरोप में जंग की एक और फ्रंट लाइन पर तैनाती हो चुकी है। ये सैन्य वाहन सर्बिया के हैं। सर्बिया की सेना को कोसोवो के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से ऑर्डर जारी हो चुका है कि सेना युद्ध के लिए हाई अलर्ट पर रहे। सर्बिया ने कोसोवो के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा तैयार किया है। सर्बिया ने अब से पहले इतनी बड़ी सैन्य तैनाती नहीं की है। सर्बिया की सेना को हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट पर रखा गया है। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि सर्बिया के लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। कोसोवो और सर्बिया के बीच इस महीने की शुरुआत से ही विवाद बढ़ता जा रहा है। यह विवाद है नस्लीय पहचान और सीमा का। कोसोवो में अल्बानिया मूल की आबादी ज्यादा है। सर्ब नस्ल के लोग भी कोसोवो में रहते हैं। सर्बिया का दावा है कि कोसोवो सर्ब लोगों के खिलाफ आतंकी वारदात की साजिश कर रहा है। नॉर्थ कोसोवो में रहने वाले 50,000 सर्ब लोगों की हत्या की साजिश रची जा रही है, जबकि कोसोवो का दावा है कि सर्ब बहुल आबादी वाले नॉर्थ कोसोवो में सर्बियन सुरक्षा बल बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। 10 दिसंबर को सर्बिया कोसोवो के बॉर्डर पर गोलीबारी भी हुई। 10 दिसंबर के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और नौबत युद्ध छिड़ने तक आ पहुंची है। दोनों देशों के बीच नेटो की ओर से तैनात मध्यस्थ दिसंबर की शुरुआत से ही शांति बहाली और तनाव घटाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन तनाव घटने के बजाय बढ़ता जा रहा है। सर्बिया और कोसोवो का नस्लीय विवाद पुराना है। अल्बानिया बहुल आबादी वाला कोसोवो सर्बिया का ही क्षेत्र था। 1998-99 में युद्ध के बाद कोसोवो सर्बिया से अलग हो गया। 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आजादी का ऐलान कर दिया। सर्बिया कोसोवो की आजादी को मान्यता नहीं देता, इसीलिए कोसोवो के सर्ब बहुल इलाकों में अपना दखल जारी रखता है। ताजा विवाद बैरिकेडिंग और गोलीबारी को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद सर्बिया ने सेना बॉर्डर पर भेजकर ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।